हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आप सभी को जय माता की। कैसे हैं आप सब, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ मेरी शाम की चाय बन रही है। तकरीबन 4 बज रहे हैं, 4 से थोड़ा कम ही बज रहे होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा पहले चाय बना लेती हूँ, क्योंकि नीचे सानी करने गए, तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और प्लीज़ ज़रा माइंड मत कीजिएगा, अभी भी हमारे यहाँ रामायण हो रही है। जब तक नवरात्रे समाप्त नहीं होंगे तब तक हमारे यहाँ रामायण ही होगी। हालांकि 4-5 दिन में अर्थ सहित समाप्त हो जाती है, पर है ना, उसके बाद फिर दिन जो खाली जाते हैं ऐसे छोड़ते नहीं हैं, तो दोबारा रिपीट कर देते हैं बिना अर्थ के। तो यहाँ मेरी बन चुकी है चाय, और ये देखो मेरी चाय फैल भी गई करते हुए। मुझसे अधिकतर, मैं कितने भी संभाल के चाय करूँ, मुझसे हल्की सी चाय ज़रूर फैल जाती है, पर ये हल्की नहीं, ये तो ज़्यादा वाली फैल गई है। और ये बच्चों के दूध है, इनमें थोड़ी थोड़ी चाय मिला देती हूँ। और यहाँ मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ भी निकाली थी, मिर्च की और आलू की, थोड़ी थोड़ी सी निकाली थी। और विनीत जी को पकौड़ियाँ इतनी पसंद है कूटू के आटे की, उन्हें बेसन की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और मेरी दीदी को भी बताया कि इनको पकौड़ियाँ बहुत पसंद हैं, तो वो ज़्यादातर कूटू के आटे की बनाती हैं। और ये मिर्च की पकौड़ी देखो कुछ ऐसी बनी है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, किसी भगवान जी की मूर्ति होती है, पर याद नहीं आ रहा। कर रहे हैं विनीत जी सानी भैंस की। और अभी है ना, इस टाइम है ना, विनीत जी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, क्योंकि है ना, इस बार जब से नवरात्र शुरू हुए ना, एक भी बुकिंग नहीं आई। तो विनीत जी बोल रहे हैं कि माता रानी मुझसे रूठ गई हैं, मुझे एक भी काम नहीं दिलाया। तो थोड़ा सा सुस्त काम चल रहा है ना, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मन में दुखी से हो रहे थे कि एक भी काम नहीं दिलाया, इतने दिन से घर बैठा हूँ। और हम लोग जा रहे हैं खेत पर। और एक भाई मुझसे लास्ट टाइम ये पूछ रहे थे, जब मैं खेत पर आई थी, वो बोल रहे थे कि सिसी, ये जो पेड़ हैं आपके इधर जो खेती पे लगे हुए हैं, ये किस चीज़ के हैं? तो भाई ये ना ईंधन जलाने के लिए किए जाते हैं, लकड़ियाँ हो जाती हैं ईंधन जलाने के लिए। तो और इस पर जो बीज आता है ना, वो पशु खा लेते हैं, पर यहाँ तो कोई नहीं खिलाता। कहते हैं कि इसके जो बीज होते हैं, मतलब गर्म होता है, तो भैंस पौए जो होते हैं उनको खिला सकते हैं। और ये देखो यहाँ पे जो आसपास के खेत थे ना हमारे, उनके सबकी फसल कट चुकी है, और अपने अपने घर ले भी जा रहे हैं। ये देखो आज पता है दिन शुभ था, तो मम्मी बोली कि तुम लोग है ना अपने खेत में थोड़ा सा मतलब नेक करके आ जाओ, थोड़ा सा काटाओ खेत को, फिर अगर काटना हो तो देख लेना। तो निजी बोले चल खेत काटने चल रहे हैं। मैंने कहा खेत काटेंगे इस बार? मैंने कहा क्यों? कि और क्या काम आ रहे नहीं है, चलो खेती काटेंगे। तो मुझे तो ये ऐसे ही कह के लगे, मैंने कि मैं चल रही हूँ चलो। और ये वाला खेत है जिसमें ना ज्वार हो रही थी ना हमारी, तो वो अभी लाया के लिए रेडी कर दिया है। तो ये इतना बीज भी नीचे ने काट दिया है। और मैंने ना इससे पहले एक बार गेहूं की फसल खुद ही काटी थी, पूरा खेत काटा था। वो जो ट्रॉली वाला खेत है ना हमारा, मैंने, मम्मी ने और विनीत ने, तब वो कुछ छोटी थी, फिर तब से है ना अब मैंने थोड़ा सा काटा है। तो मैंने काटा, बड़ा अच्छा लग रहा था। धान की फसल फ़र्स्ट टाइम काट रही हूँ मैं, फ़र्स्ट टाइम। यहाँ पे मुझे 10 साल हो गए, मेरी शादी हो हुए, तो मैं फ़र्स्ट टाइम धान की फसल काट रही हूँ। और एक भाई बोल रहे थे कि दी आप कैसे मैनेज कर लेती हो, आप सिटी की हो और आप सारे काम कर लेती हो मेरे हिसाब से। तो वैसे एक बात बताऊँ, मैं सारे काम कर लेती हूँ, सच बताऊँ, मैं सारे, मुझे सारे काम आते हैं, चाहे गाँव का हो चाहे शहर का हो। पर है ना, मैं थोड़ी सी ये समझो कि मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। जैसे कि अब मैं खेत कटवाने को कटवा सकती हूँ, पर घर पे कोई साथ देने वाला हो, जैसे बच्चे संभाल ले या फिर खाना पीना देख ले उनका, थोड़ा सा कि बच्चे भूखे हैं तो दे दें। पर इस वजह से मैं नहीं कर पाती, फिर मैं इन कामों से थोड़ा दूर ही रहती हूँ। और वैसे ही विनीत जी का भी काटने नहीं देंगे, अब बोले कि नहीं हम कटवा लेंगे, तो हम लोगों ने कर दिया है कुछ लोगों को, तो वो काट देंगे। ये देखो मेरे घर की फसल जो मैंने जौ बोए थे ना नवरात्रों के पहले दिन, वो ठीक ठाक हो गए। वैसे इस बार ज़्यादा बड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि अभी नवरात्रों में सुना है कि एक दिन घट रहा है और ये भी थोड़ा कम निकले, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़े हो पाएंगे। और कोको लगा रही शाम को पानी पौधों में। ये मेरे कपड़े पड़े हुए थे सुबह के, क्योंकि है ना अभी नहा के हम लोग है ना, जैसे कि और दिन मैं कपड़े धो देती हूँ अपने या फिर थोड़े बहुत अंडर गारमेंट्स जो होते हैं नहाने के बाद या नहाते टाइम पे, तो अभी सुबह सुबह पूजा करने की पड़ती है। और फिर हम लोग जब पूजा करते हैं ना तो कपड़े नहीं धोते, मतलब या तो पूजा करने के बाद धोते हैं या फिर नहाने से पहले धो देते। तो ये मेरे कपड़े पड़े हुए थे और फिर मैं खेत पर चली गई, थोड़ा लेट हो गया तो मैंने अभी आके धोए। देखो ये क्या है, गैस करो ये क्या हो सकता है। आप इसे या तो है ना मौसमी समझ रहे होंगे है ना, या कच्चा संतरा भी ऐसा होता है, कच्चा हरा सा ही होता है। बाद में ये पता है क्या है, ये नींबू है, इतना बड़ा नींबू है। नीचे किसी के यहाँ से लेकर आए थे और एक ही लेकर आए और एकदम संतरे के साइज़ का है ये। और शाम का खाना पीना हो गया था, मैंने कहा बच्चों को पढ़ा लूँ क्योंकि शाम को मैं खेत पर चली गई थी, फिर आके खाना पीना बनाया तो बच्चों को पढ़ा नहीं पाई। तो अभी तनु का काम करा रही हूँ, उसने आज क्लास में अपना क्लास वर्क नहीं किया, तो देखो इस पर लिखा हुआ आ गया नॉट डन। तो मैं क्लास वर्क भी करा रही हूँ, होमवर्क भी करा रही हूँ और कुकू को भी पढ़ाया, तो वो तो अपना ड्राइंग बना रही है अब। तो आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और अगर आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ भी कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड राम राम।